अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को टी टाइम स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। एक पैन ले लेंगे, इसमें एक कप तक पानी डाल दिया। इसके अलावा हसबे जायका नमक डाल देंगे और सबसे पहले आप लोगों ने नमक को इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, तो नमक को मैं मिक्स कर दूंगी। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने का मकसद ये है कि इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, तो हरा धनिया आप लोगों ने डाल देना है। इसके बाद आप लोगों ने एक कप इसमें डाल देनी है सूजी। ठीक है, सूजी को दो से तीन दफ़ा छान लिया करें और बिल्कुल बारीक वाली ये सूजी है, ये आप लोगों ने डाल देनी है। और अच्छे तरीके से सबसे पहले पानी को इसमें जज़्ब होने दें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकने लग गई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और जब ये पानी इसमें जज़्ब हो जाए तो आप लोगों ने इसमें दो से तीन ड्रॉप या एक चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें ऑयल का ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि ये नीचे से लग रही है तो आप लोगों ने ये यूज़ करना है और एक डो सी तैयार कर देनी है। ठीक है, एक डो सी मैं तैयार कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डो आप लोगों को तब अंदाज़ा होगा कि तैयार हो चुकी है जब पैन बिल्कुल साफ़ होने लग जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे पैन बिल्कुल साफ़ होने लग गया है, मतलब हमारी डो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार होने लग गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया और इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट रख के ठंडा भी कर दिया और हाथ की मदद से अब आप लोगों ने इसको ऐसे मिक्स करना है। इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं बॉयल किए हुए आलू, इसके अलावा थोड़ी सी बॉयल की हुई चिकन, प्याज, हरी मिर्चें और थोड़े से आप लोगों ने इसमें डाल देनी है बंद गोभी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। बहुत ही अमेजिंग टी टाइम स्नैक्स ये हमारे तैयार होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखते जाना है। ठीक है, कुछ पाउडर मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा काली मिर्चें, हसबे जायका नमक, ये चार पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं। नमक इसमें कम डालिएगा क्योंकि पहले हम लोगों ने नमक ऐड किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। इसके बाद आप लोगों ने अब स्नैक्स की शेप्स को तैयार करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने मसाले को लेना है, मिक्सिंग सबसे पहले आप लोगों ने मिक्सिंग ज़बरदस्त करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। ठीक है, एक डो की तरह इसको बनाकर उसके बाद ऐसे आप लोगों ने शेप तैयार करनी है और इसके स्नैक्स तैयार कर देने हैं। ठीक है, तो तमाम स्नैक्स मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ऐसे ही आप लोगों ने स्नैक्स को तैयार करते जाना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने स्नैक्स को तैयार कर दिया। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं, अब तमाम को मैं इसमें डाल दूँगी और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है, ज़्यादा स्लो नहीं करना। ठीक है, वरना ये एक तो ये जो है टूट जाएंगे और ऊपर से ये क्रिस्पी नहीं तैयार होंगे। तो ये दो चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोग देख रहे होंगे इस कलर का जो है आना चाहिए स्नैक्स पे, ये कलर होना चाहिए। तो माशाल्लाह से मैं इनकी साइड को चेंज करती रहूँगी, 2 से 3 मिनट हम लोग इसको पकाएंगे और कलर ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे 2 से 3 मिनट के बाद इसका कलर, तमाम को मैं निकाल देती हूँ, तमाम को मैंने निकाल लिया। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। फ़ाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, हमारे टी टाइम स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सिर्फ एक कप आप लोगों के पास सूजी होनी चाहिए, उससे आप लोग ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक बार सिर्फ आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।